इंडिया न्यूज़ पंजाब दे डिजिटल प्लेटफॉर्म ते तुहाडा स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह गल करांगे विसाखी दे त्यौहार की। जी हाँ, पंजाब दे विच विसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा है। तख्त श्री दमदमा साहब होवे, श्री हरिमंदर साहब होवे, तख्त श्री केसगढ़ साहब होवे, इन्हां सारे गुरधामां दे उत्ते जिन्ने भी इतिहासक गुरद्वारा साहिबान ने इत्थे जो है वड्डे गुरमत समागम जो ने उन्हां दा प्रबंध किया गया है। संगतां इत्थे पहुँच रही ने, पर पुलिस के वलों की पहरा जो है वह लगाया गया कि किते ना किते ये चर्चावां चल रही ने कि अमृतपाल सिंह वारस पंजाब के जथेबंदी का मुखी जो कि 18 मार्च तो फरार चल रहा है, जिसनों पुलिस के वलों की भगोड़ा ऐलान दिता गया, वह किते ना किते सरेंडर कर सकता है। इसनों लैके इन्हां गुरधामां दे बाहर जो है सुरक्षा का पैरा वधा दिता गया है। तो यह मनिया जा रहा अफवाह चल रही ने या चर्चावान चल रही ने कि अमृतपाल इन्हां किसी धार्मिक स्थान पर पहुँच के सरेंडर कर सकता है, जिसनों लैके पुलिस पहलों तो ही मुस्तैद नज़र आ रही है। धार्मिक स्थानों के बाहर सुरक्षा वधा दी गई है, पुलिस का पैरा हर थान के उत्ते लग्या होया है। DGP खुद जो ने आनंदपुर साहब गए सन, अमृतसर गए सन, तो अज तलवंडी साबो पहुँचे, जिथे उन्होंने कहा कि असी सुरक्षा प्रबंधा के जो है रिव्यू कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह के नाल इस त्यौहारों के मौके पर विसाखी के मौके पर कोई अणसुखावी घटना ना वापरे, किसी भी तरह के नाल माहौल जो है वह ना विगड़े। इस सब के विचाले श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह वो सामने आए ने। उन्होंने सिख पंथ के नाम के उत्ते एक सुनेहा दिता है। सुनेहा की दिता उन्होंने संगत को अपील की है कि तुसी सारे जिहड़े समागम मनाए जा रहे हैं गुरधामां दे उत्ते उत्थे बेखौफ होकर पहुँचो, उत्थे अमृत संचार के प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं। नाल ही उन्होंने कहा कि हुण जो सिख पंथ दे विच हलचल चल रही है, जो ये माहौल बनया होया अराजकता का, वह इसलिए बनया होया क्योंकि असी अपनी रवायतों तो अपनी गुरमर्यादा तो जो है वह दूर होंदे जा रहे हैं। उन्होंने अपील की है कि तुसी सारे इन्हां समागमां दा हिस्सा लो, बेखौफ होकर पहुँचो, पुलिस जो है किसी भी तरह के नाल पुलिस तो डरन की जरूरत नहीं है। उधर SGPC के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी का भी एक बयान जो है वह सामने आया, जिस दे विच उन्होंने कहा है कि पुलिस जो है गुरधामां दे विच बेलोड़ी दखल अंदाजी कर रही है, पुलिस नूं जो है गुरधामां तो दूर रहना चाहिए। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया हरजिंदर सिंह धामी के वलों की, यह कहा गया कि पुलिस के वलों की संगत नूं या श्रद्धालुओं नूं जो है वह परेशान किया जा रहा है। इस दे नाल उन्होंने पंजाब सरकार को भी ये चेतावनी दे दी है कि पुलिस जो है वह गुरधामां दे नेड़े तो हटा ली जाए ताकि श्रद्धालुओं के किसी भी तरह की डर का माहौल जो है वह पैदा ना हो। उन्होंने कहा कि संगतां जो है गुरु घर आने तो पहले उन्होंने चैकिंग की जा रही है, कई तरह के सवाल जो ने पुलिस के वलों भी पूछे जा रहे हैं, जिस दे करके श्रद्धालुओं के डर का माहौल जो है वह बनया हुआ, जिसनों दूर करने की जरूरत है क्योंकि वह गुरधामां दे विच कोई गलत काम करन दे लई नहीं आ रहे, वह गुरु घर दे विच नतमस्तक होण दे लई आ रहे हैं क्योंकि खालसा साजना दिवस मनाया जा रहा, दस्तारा सजा के वख-वख तरह दियां सिंह इत्थे पहुँच रहे हैं, छोटे बच्चे इत्थे पहुँच रहे हैं, तो उन्हां तो पुलिस वालों जदों हुण चैकिंग की जाती है बैरीकेड लगाए जा रहे हैं, उसके करके इन्हां श्रद्धालुओं नूं परेशानी हो रही है। तो अजिहा ना किया जाए आने वाले 3 दिनों तक, 13, 14, 15 इन्हां 3 दिनों के दौरान जो चल रहे हैं विसाखी के समागम, उस संगत नूं शांतमई तरीके दे नाल मना लैन दिते जाण, ये हरजिंदर सिंह धामी के वलों की जो है कहा गया। तो जथेदार साहब ने भी अपील की है कि बेखौफ होकर गुरधामां ते पहुँचो, अमृत संचार करो, तो अपने विरसे दे नाल जुड़ो, अपने धर्म के नाल जुड़ो, गुरमर्यादा दे विच रहो ता कि किसी भी तरह की कोई उथल पुथल है उसका सामना जो है कौम इकट्ठे होकर कर सके। खैर, अज की इस जानकारी इन्ना ही, मैनू दे इजाजत, धन्यवाद।